नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पढ़ाई करना आपके परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो कि आपकी पढ़ाई करने से भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आज हम लोग जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ एक ऐसी ही बात है जो कि आपके पढ़ाई की पूरी दिशा को तय करेगी, और अगर आप इस दिशा में, जैसा कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे, एक प्रॉपर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में हार्डवर्क करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के बारे में, जिसकी वैकेंसी वो 2022 की वैकेंसी, दिसंबर 2022 में ऐसा नोटिफिकेशन आना संभावित है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस इस परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं उसमें कहाँ से हमें कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं। आज हम लोग इसका एक जो प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर हुए हैं उसका एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न आने हैं, और उसके हिसाब से ही हम लोग ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए प्राथमिक महत्व का है और कौन सा गौण महत्व का है, या फिर हम लोग जो है किस सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दें, किसका हम लोग ज़्यादा रिवीजन करें, क्या पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें। ये सारी बातों पे हम लोग एक खाका बना रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि हमें आगे जो है वो इस परीक्षा में किस तरीके से बढ़ना है। इससे रिलेटेड जो हमारी स्ट्रेटजी वीडियोज और बुक लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। आज का ये वीडियो उसी आरओ की परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यह एक स्ट्रेटजी बनाने से ही रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने अपने एक सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला वीडियो था इस कोचिंग का, इस जो हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका जो सबसे पहला वीडियो था, उसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि अगर किसी भी परीक्षा में आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना है तो उसके लिए चार ऐसी हमने मूल मंत्र डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ में, जिसको अगर आप अमल में ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप उस परीक्षा में सफल हो सकेंगे। ये सारी बातें जो भी डिस्कस हो रही हैं वो सभी जो है उसी एक जो चार मूल मंत्र हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हैं। कोई भी टीचर अगर डिस्कशन करता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप ज़रूर उसे एक बार देख लें, आपकी काफ़ी सारी समझ अपने से ही क्लियर हो जाएगी। उसी में हमने एक बात कही थी कि आपको अगर कोई भी परीक्षा निकालनी है तो उसके लिए आप, एक पॉइंट उसमें यह था कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर हैं उसका एनालिसिस करें, अच्छे से करें उसका एनालिसिस, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो उसी बात को आप वो खुद से भी कर सकते हैं और वो हम लोग भी आपके लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से जो भी लोग नए हों उनको इस परीक्षा का उतना अनुभव ना हो और उनके पास इतना समय भी ना हो कि वो इन सभी बातों को एक मतलब प्रॉपर उसका एनालिसिस कर सकें, तो उनके बिहाफ पे ये चीज़ हम लोग आपको करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत ज्ञानी हैं या कुछ है, या फिर आप लोग अगर इसे सुन रहे हैं तो आप लोग अज्ञानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बस केवल इतनी सी बात है कि हम लोग चूँकि परीक्षा कई बार दे चुके हैं, सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, या फिर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो एक ठीक ठाक अनुभव हो चुका है जिसके आधार पर हम लोग कुछ एक जो है चीज़ें गेस कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। तो हम आज आपको वही चीज़ें बताने वाले हैं। और देखिए, अगर इसमें जैसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में इसमें कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में जब हमने पिछले जो 5 वर्षों का पेपर का एनालिसिस किया, पिछले 5 का मतलब ये हर साल ये परीक्षा नहीं होती है, ये जो है हमने जो एनालिसिस किया है वो आपका 2014 के पेपर का, 2016 के पेपर का, 2017 के पेपर का, 2021 का और 2016 का एक री एग्ज़ाम हुआ था। इन 5 प्रश्नों के प्री परीक्षा के जीएस के पेपर को हमने स्टडी किया, उसमें से हम ये देखे कि किससे जो है कितने प्रश्न आ रहे हैं, और उससे हमने जो एवरेज एक निकाला है वो आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए, हिस्ट्री से जो हमारे प्रश्न आते हैं वो करीब करीब जो है वो 22 से 23 प्रश्न आते हैं, 22 से 23 प्रश्न आते हैं। अब इसमें जो 22 से 23 प्रश्न हैं, इसमें अगर हम लोग देखें कि पीछे जो है वो कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2014 में पूछे गए हैं 20 प्रश्न, उसके बाद 23, फिर 22, फिर 19, फिर 23। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जब मैंने लिखा ही हुआ है सारी चीज़ें तो ये मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख दे रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो ना लिखने का एक कारण है।
उसका कारण दरअसल ये है कि इधर जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये जो भी एक एवरेज मैंने ये तैयार किया है, ये एग्जैक्ट एवरेज नहीं है जो पिछले प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का। अच्छा, 5 साल के हैं तो उसको सबको जोड़ के और डिवाइडेड बाई 5 कर दें, ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 2014 में जो परीक्षा हुई, 2016 में हुई, 17 में हुई, उन सभी में अध्यक्ष जो थे UPPSC के वो अलग थे, उनका पैटर्न अलग था, उनका जो कार्य प्रणाली थी वो सब अलग थी, तो इसलिए वहाँ पर जो प्रश्न का नेचर जो पूछा जाता था वो अलग किस्म का होता था, और अब जो पूछा जा रहा है वो अलग किस्म का हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राम चैनल पर हमारे एक बच्चे का कमेंट आया था कि वो कह रहा था कि जैसे पैटर्न जो है वो 2021 में हमें आरओ का पैटर्न वो काफ़ी चेंज मिला। वो क्यों चेंज मिला, मतलब जब हमने पूछा क्या उसमें चेंज था, तो ये कह रहा था कि प्रश्न जो पहले पूछे जाते थे वो काफ़ी जो है इस बार बहुत कठिन पूछे गए थे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले जो प्रश्न पूछे जा रहे, वो बात बिल्कुल सही है, पहले जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उसमें आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता था। ये खेल लगभग जो है 2018 तक खूब चला है कि मतलब प्रीवियस ईयर्स के लगभग 70% प्रश्न जो है उस समय पे पूछ लिए जाते थे, सीधा सीधा एक पब्लिकेशन की बुक से वो मिल जाते थे सारी चीज़ें, जो घटनाचक पब्लिकेशन वाली पूर्वावलोकन बुक आती है, इसी वजह से वो बुक इतनी ज़्यादा लोकप्रिय भी हो गई। और उसके बाद लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा ट्रेंड आया है कि अब जो है वो आप केवल, मतलब पहले तो ऐसा होता था कि पूर्वावलोकन आप पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कोई स्टैंडर्ड बुक ना पढ़िए, आपका पूरा पूरा पेपर फंस जाता था और सब कुछ आसानी से लोग आराम से कट ऑफ पार कर लेते थे। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, अब जो है प्रश्न काफ़ी नए नए बनते हैं, कुछ प्रश्न ऑब्वियसली रिपीटेड होते हैं लेकिन काफ़ी सारे प्रश्नों की मात्रा वो जो है नए प्रश्नों की रहती है, तो इसलिए वो पेपर थोड़ा सा कठिन लगता है। और जो लोग केवल पूर्वावलोकन करके जाते हैं तो उनके लिए वो ऑब्वियसली कठिन हो ही जाएगा। तो ये कुछ एक बदलाव हैं जिनकी वजह से मैंने पीछे के सारे अंकों को नहीं लिखा है कि कितने प्रश्न पूछे गए, उन सभी को नहीं लिखा है। उन सभी को ना लिखने का यही एक प्रमुख कारण है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये मैंने इसमें साथ में ये भी एक ट्रेंड एनालिसिस किया है कि अभी इस समय क्या पूछा जा रहा है, तो उसका एक ट्रेंड एनालिसिस करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जनगणना नगरीकरण है, तो जनगणना जो है वो आपका इस समय, जैसे मैं अगर बात करूं तो जनगणना से करीब जो है एक एवरेज जो बन रहा है हमारा वो 8 प्रश्नों का बन रहा है, 8 प्रश्नों का बन रहा है एक एवरेज। जैसे इसमें पूछे कितने गए हैं तो 6 प्रश्न पूछे गए हैं, फिर 12 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं उसमें केवल 5 और 6 ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आप लोग जो है इसको ये मान के चलिए कि ये आपका कहीं ना कहीं 5 से 6 प्रश्न ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। उसका कारण आप समझिए, जब 2014 में पेपर हुआ, 2016-17 में हुआ, उस समय में क्या है कि आपकी ये जनगणना जो है वो नई थी, तो वहाँ पर उसको जो है वो लोग खूब पूछे, 12-13 प्रश्न पूछे, लेकिन अब उसको पूछने का बहुत ज़्यादा तुक नहीं है। और इसी कारण से अगर आप पिछले 3-4 जो पेपर जो भी UPPSC द्वारा हुए हैं अगर आप उनको एनालाइज करेंगे तो उसमें आप ये चीज़ समझ सकेंगे कि यहाँ पर अब इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये सारी बातों का हमने एक सार बनाया है, और केवल ये आरओ की परीक्षा के ट्रेंड को ही नहीं ध्यान में रखा है बल्कि जो अन्य परीक्षाएं भी UPPSC द्वारा होती हैं उन सभी को रिसेंट के ट्रेंड के हिसाब से हमने मिला के रखा है। इसलिए हमने इसको सारे जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के जितने थे उन सभी को ना लिख के सीधा केवल मैं एक एवरेज लिख रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें जो 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता है कि एंशियंट, मॉडर्न और मिडिवल। हिस्ट्री में हमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों पे जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हमें एक ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत है, ये तो देखिए सबको पता है कि मॉडर्न इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का वही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एंशियंट और मिडिवल में हमें कोई निश्चित क्रम नहीं मिला। मतलब एंशियंट से प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मिडिवल से कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेंस में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर मिडिवल से ज़्यादा हो जाते हैं, एंशियंट में कम हो जाते हैं। इसी प्रकार जो पिछली बार परीक्षा हुई 2021 की, उसमें मिडिवल से ज़्यादा हो गए प्री में और एंशियंट से कम हो गए, तो एक मतलब निश्चित पैटर्न हमें नहीं मिल पाया। तो इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ये तो मान के चलिए कि मॉडर्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर 22 प्रश्न हो रहे हैं तो 22 में आपके ये मान के चलिए कि करीब करीब 14 प्रश्न ये आपके मॉडर्न से मिलेंगे, ये 13 से 14 प्रश्न ये आपके मॉडर्न से मिलेंगे, जबकि मिडिवल से आपके
और एंशियंट से, इससे आपको क्रम प्रश्न मिलने की उम्मीद है। अब इसमें कुछ भी रेशियो हो सकता है, बाकी का जितना भी है उसमें कभी एंशियंट ज़्यादा पूछ लेता है, कभी मिडिवल ज़्यादा पूछ लेता है, तो इसलिए हमने उसको कोई इसकी कैटेगरी नहीं डिसाइड किया। परंतु ये आप मान के चलिए कि मॉडर्न जो है वो 13-14 नंबर का पूछता है। और एक खास बात कि मॉडर्न में भी अगर हम बात करें तो इन 13-14 नंबर में भी करीब करीब 10 नंबर, इनमें भी 10 नंबर जो है वो आपके नेशनल मूवमेंट से पूछता है। अराउंड 10 नंबर का आपका केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहता है। तो अब इससे एक आप जाहिर सी बात है एक कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि कौन सा हमें पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, किसको ज़्यादा तवज्जो देनी है, ध्यान जिसमें ज़्यादा देना है और किसमें कम देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नेशनल मूवमेंट इस पे जो है बहुत ज़्यादा जोर देना है, बहुत ज़्यादा इसका रिविज़न करना है। और ये मॉडर्न में जो नेशनल मूवमेंट के पहले वाला है वो सब भी आपको पढ़ना है, उसके बाद आप एंशियंट और मिडिवल पढ़ सकते हैं। तो ये आपका मतलब इस तरीके से आप हिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगले अगर सब्जेक्ट की बात करें तो अगला जो है वो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी से आपका जो एक एवरेज बन रहा है वो बन रहा है 20 प्रश्नों का, 20 प्रश्नों का एवरेज बन रहा है। इसमें जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं वो ऐसे पूछे गए हैं कि 22, 18, 11, 25, 17 ऐसे करके इसमें पूछे गए हैं प्रश्न। लेकिन एक आप ओवरऑल मानिए कि 20 प्रश्न लगभग इसमें जो है पूछे जाने की संभावना है। और इन 20 प्रश्नों में भी अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ कि भारत का भूगोल का वेटेज ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है वो हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ में बता रखा है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, परंतु आप ये समझिए कि भारत का भूगोल हमेशा से ही उसका वेटेज लगभग सभी पेपर्स में, जिसमें भी वनडे एग्जाम हो रहा है, एमसीक्यू टाइप हो रहा है, जहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, उन सभी में हमें भारत का भूगोल का वेटेज ज़्यादा मिलता ही है, क्योंकि भारत का भूगोल बेसिकली फैक्चुअल है ही ज़्यादा, और विश्व के भूगोल में कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, उसमें फैक्ट्स कम रहते हैं। और तो उसमें देखिए कि आप अगर भारत के भूगोल की बात करेंगे तो आप एक एवरेज मान लीजिए कि इंडिया से जो पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से, वो करीब करीब 14 प्रश्न, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका पूछा जाता है वो करीब करीब 6 प्रश्न। तो यहाँ से भी आप एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में जो हमें पहले पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा बार रिवाइज भी करना है उसे, वहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और अभी बल्कि मैं जब इसकी जो एक अगला इसका क्रम होगा, इस वीडियो का जो अगला क्रम होगा स्ट्रेटजी डिस्कशन का, उसमें हम लोग ये भी बात कर रहे होंगे कि इन सभी में, इन सभी, ये तो आज हम लोग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, लेकिन इन सभी सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, किससे कम आते हैं, तो उसके आधार पर भी हम पेपर के हिसाब से एनालिसिस करके आप लोगों को ये बता रहे होंगे कि अगर आप ज्योग्राफी में ये 6-7 चैप्टर कर लिए तो आपका बाकी के 28 चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन 6-7 चैप्टर से इन 14 में से हो सकता है 12 नंबर कर लें, और बाकी के इन चैप्टर से हो सकता है आप 2 ही नंबर पा पाएँ। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम आप लोगों को उस पर भी एक वीडियो जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी देखिए कि 20 में इंडियन ज्योग्राफी से करीब 14 प्रश्न और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 प्रश्न, ये सारे अप्रॉक्स में हैं, ये 6 से 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 14 से 15-16 भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये है, लेकिन एक मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए हमारे 15 प्रश्नों का एक एवरेज बनता है, रीजनिंग में 15 प्रश्नों का एवरेज बनता है, और 15 में रीजनिंग में देखिए हम लोग यहाँ पे मैथ्स भी जोड़ लें, रीजनिंग में अगर हम लोग मैथ्स भी जोड़ लें तो ये दोनों मिला के 15 प्रश्नों का हमें मिलता है। लेकिन जो लोग भी मैथ्स से थोड़ा सा भी डरते हैं और उनको लगता है कि मैथ्स तो इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, वो मुझसे नहीं होगा, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि मैथ्स जो है वो यहाँ पर बहुत कम पूछी जाती है। मैथ्स जो है वो करीब करीब आप ये मान के चलिए 10 मार्क्स ये आपके रीजनिंग के होते हैं, तो ये 5 मार्क्स जो हैं ये आपके मैथ्स के होते हैं। और अभी भी आपको लगेगा कि ये मैथ्स में जो है वो 5 मार्क्स तो हैं वो तो काफ़ी हैं, तो एक और आपको खुशखबरी देता हूँ जिनके मैथ्स नहीं अच्छी है, वो ये है कि ये मैथ्स में 5 मार्क्स भी जो होते हैं वो बेसिकली एक ही चैप्टर से होते हैं, वो एक चैप्टर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, उसी से ही ज़्यादातर प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। 5 में हो सकता है 5ों, नहीं तो 5 में से 4 एक ही चैप्टर से, एक किसी और चैप्टर से रेखागणित या किसी से भी पूछ लें, ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि कहाँ पर आप फोकस करके और कैसे अपना ये काम चला सकते हैं। अभी एक चैप्टर तो आपको करना ही होगा, इतना तो आप मेहनत कर ही लीजिए, ठीक है, और इतना कोई मैथ्स मुश्किल भी नहीं है,
ठीक है, जो लोग कहते हैं कि मतलब पिछली बार का पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो देखिए वो डिफिकल्ट था, लेकिन क्या है कि फिर भी तो लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आते ही हैं। मेरे खुद के जो मार्क्स थे वो लास्ट ईयर जो था उसमें अराउंड ऐसा एक अप्रॉक्स है कि कट ऑफ जो गई होगी वो 122 के करीब गई होगी, और उसमें मेरे खुद के मार्क्स 134 थे। तो ऐसा नहीं कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैंने बस यही सब एनालिसिस करके एक अपना निष्कर्ष निकाला था कि यहाँ पर मैं क्या अपना फोकस करूँ। लकीली मेरे सारे प्रश्न वहाँ पर सही हो गए। तो इसी तरीके से आप मतलब कोशिश कीजिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकें, और आपको रास्ता मिलेगा वहाँ पर। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चल कर तो देखें जिन्हें रास्ता नहीं मिलता। कमी कुछ चाल में होगी, कमी होगी इरादों में, जो कहते कामयाबी का हमें नक्शा नहीं मिलता। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको नक्शा सारे मिलेंगे, अपनी चाल को और अपने इरादों को दोनों को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है। अगर बुद्ध ने कहा है कि सर्वम दुखम दुखम, तो साथ में वो ये भी कहते हैं कि भले ही सर्वत्र दुख है लेकिन उसके साथ में दुख को दूर करने के उपाय भी हैं। तो वो हर जगह, अगर हम अगर आपके पास समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होगा ही, ठीक है। और अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम अपने आप में एक समस्या हैं, ठीक है। तो इसलिए समस्या नहीं, उसके समाधान पे काम कीजिए। यहाँ पे मैं वही आपके लिए एक लेकर आया हूँ, थोड़ा सा अनुभव आप लोगों से थोड़ा सा बस अनुभव ज़्यादा है, इस वजह से ये मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ। तो चलिए रीजनिंग में, रीजनिंग प्लस मैथ्स में 15 में आपने देखा कि 10 मार्क्स रीजनिंग के और 5 मार्क्स लगभग मैथ्स के। मैथ्स में भी एक ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको तवज्जो ज़्यादा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में देखिए आते हैं प्रश्न तकरीबन 23 प्रश्न। तो अब करंट अफेयर्स में 23 प्रश्न आते हैं। अब ये देखिए कि पिछले जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे वो 21, 10, 24, 23, 23। तो देखिए एक साल इसमें 10 प्रश्न भी पूछे गए थे, तो उस आधार पे हम लोग अगर हम एग्जैक्ट इसका एवरेज निकालें तो वो तो कम बैठेगा, क्योंकि 21, 24, 23, 23 ऐसे करके और 10, तो एवरेज तो कम बैठेगा। लेकिन क्या है कि जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उनमें करंट अफेयर्स का जो एवरेज रहा है वो 24, 23, 23 रहा है। तो इसी कारण से मैं आपको सारा पिछला ना लिख के आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स देखिए बेसिकली ऐसा पोर्शन है जिसमें हम कम में ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। आप समझिए कि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो वो इतना है, तीन चार बुक्स आप पढ़ते हैं, उसके बाद पूर्वावलोकन पढ़ते हैं, उसके बाद जो है आप हो सकता है लूसेंट पढ़ते हो या जो भी कुछ ऐसे जो है तीन चार, मतलब आपको तीन चार बुक्स पढ़नी है, काफ़ी सारा पढ़ना है, उसके बाद आपको इतने बड़े सिलेबस में जब आप पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 22 से 23 नंबर। जबकि अगर आप करंट पढ़ेंगे तो वो आपके हिस्ट्री की तुलना में ये मान के चलिए केवल इतना है, वो केवल इतना है करंट अफेयर्स। और आपकी एक पतली सी बुक आएगी, जो भी घटनासार बुक लिस्ट मैंने आपसे बताई थी, जो हमारा वीडियो है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों ने उसे देखा और सराहा भी है। तो जो वाली मतलब घटना सार हुआ या घटना चक्र हुआ वो बुक आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली बुक होती है, और उसको आप जो है 10 दिन में आराम से पढ़ के और एक दो बार रिवाइज करके अगर आप उसको चले जाते हैं तो आपके वहाँ पर 23 नंबर मिल जाएंगे। तो हमेशा उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो कि आपको कम में बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स कुछ कुछ वैसा ही है। उसके बाद देखिए अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट से एक एवरेज बनता है 7 प्रश्नों का। इन्वायरमेंट आपको पता ही है कि वो PCS की भी परीक्षा में अब इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, जब से ये RFO का एग्ज़ाम लिया जाने लगा है PCS के साथ में, तब से ACF RFO वाला एग्ज़ाम, तो इस वजह से करंट ये जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है वहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो रहा है, और यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा नहीं परंतु यहाँ पर भी ठीक ठाक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 7 प्रश्नों का संभावना है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें UP स्पेशल की, तो UP स्पेशल जैसा कि अपर PCS में पूछा जाता है वैसा यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर उससे वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे अपर PCS में आपका 150 नंबर का पेपर होता है तो उसमें जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर जो आपका GS होता है वो केवल 140 नंबर का ही होता है, मतलब 10 नंबर कम ही है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो UP स्पेशल से पूछे जाते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, और ये आपका बैठता है 13 से 14 प्रश्न तक।
तो 13-14 प्रश्न इसमें आप देखिए कि 10, 9, 17, 15, 13 ऐसे करके पूछे गए हैं। तो जो रिसेंट में पूछे गए हैं वो 17, 15, 13 ये पूछे गए हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये करीब करीब 13-14 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से मिलेंगे। और ये मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे आमतौर पर इसको पूरा रटने की कोशिश करते हैं, जबकि ये प्योरली रटना या प्योरली समझना ऐसा नहीं है। जीएस का कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो वो प्योरली रटना या प्योरली समझने वाला नहीं है। सभी में रटना और समझना दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो वैसे ही जो है इस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ एक वीडियो जैसे ले करके और यूपी स्पेशल के आपको एक कॉन्क्रीट नोट्स भी दे दूं, जिसमें कि आप 25-30 पेजेस पढ़ के, और वो मैं आप लोगों को जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। देखिए नोट्स जो है अभी तक जो मैंने बनाए थे अपने स्तर पर वो सारे ऐसे थे जो कि मैं खुद अपने लिए प्रयोग करता था, तो इस वजह से वो नोट्स बनाने में वो अपने हिसाब से डिजाइन करने की बात अलग होती है और आप लोगों को देने की बात अलग होती है। यही कारण है कि जो हिंदी के नोट्स हैं वो अभी टेलीग्राम ग्रुप पे इसीलिए नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, क्योंकि अब मैं उन लोग को देने के लिहाज से उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इसी प्रकार से यूपी स्पेशल के नोट्स जो है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत संक्षेप में कंसाइज मैटर रहेगा उसमें, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि तकरीबन जो है वो 25-30 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सीधा सीधा 13-14 नंबर जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये इस पर मैं आपसे जो है, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है इसी नाम से, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, और उससे आप जो है इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा आर ओ की अगर परीक्षा की बात करें तो। फिर चलिए उसके अगला जो है वो हमारा है साइंस का पोर्शन। साइंस का पोर्शन हमेशा से ही महत्व का रहता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 15 प्रश्नों के पूछे जाने के एक रिवाज रहा है कि 15 प्रश्न यहाँ पर रहते ही हैं, और सभी को पता है कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो आप लोग जानते ही हैं। इसमें जैसे 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पर जो है बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है फिजिक्स का, उसके बाद है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ रहता है कि बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और इसमें अगर हम एग्जैक्टली नंबर्स की भी बात करें तो आप ये मान के चलिए तकरीबन जो है यहाँ पे अगर ये 15 हैं तो 15 में आप मान के चलिए 4 के करीब आपके फिजिक्स में आते हैं, और 1 या 2 से लगभग, 1 या 2 जो है ये आप रख लीजिए, या 4 से 5 रख लीजिए, तो ये जो है आपका, और 8 से 9 प्रश्न आप रख लीजिए बायो से। तो ये इस टाइप का रहता है कि 4 से 5 प्रश्न आपके होते हैं फिजिक्स से, और ये इधर केमिस्ट्री से होते हैं 2 प्रश्न, और बायो से आप 8 से 9 प्रश्न रख सकते हैं। तो ये एक एवरेज हमें दिखता है। यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि फिजिक्स से 2 गुना बायो पूछा जाता है और केमिस्ट्री से 4 गुना बायो पूछा जाता है। तो आपको कहाँ पर मेहनत करनी है, सारी चीज़ें आप खुद से ही समझते चल रहे होंगे कि आपको कहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, कहाँ पर आप 2 भी अगर सोर्सेस को फॉलो कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा, और मतलब बुरा नहीं होगा, और कहाँ पर अगर आप दूसरे सोर्स को फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है आप केमिस्ट्री को 2-3 सोर्स से करते हैं, आप लूसेंट की सामान्य ज्ञान से भी कर लेते हैं, और उसके बाद जो है आप क्विक बुक से भी कर लेते हैं, पूर्वावलोकन भी पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए आप, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? आप सोचिए कि उसमें अगर 2 ही मार्क्स का आ रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है? तो ये सारी बातें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये दरअसल आपकी जो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है उसको ही बनाने के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप हार्ड वर्क तो करें ही, लेकिन उसके साथ में एक स्मार्टली उसको करें। आप अगर सार्थक दिशा में मेहनत कर रहे हैं वही आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएगा। आप क्योंकि मेहनत हर कोई करता है, जिसको भी देना है वो सब लोग जानते हैं। आर ओ के बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि ये एक कितना आकर्षक पद है, तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है वो मतलब प्री मेंस ही है, इंटरव्यू है नहीं, 4800 ग्रेड पे एक जॉब है, गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है, तो बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए तो आसानी से मेहनत की जा सकती है, लोग लगे भी रहते हैं। लेकिन अगर आप सार्थक दिशा में नहीं कर रहे हैं तो वो आप अपने साथ हानि कर रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर नहीं निकलेगा उससे, ये इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप सारा ही पढ़ने लगते हैं। जीएस में देखिए बुक कोई भी होगी, बुक बनाने वाली की ये मतलब ज़रूरी हो जाता है उनके लिए कि वो बुक में सारी बातें डालें, और अगर आप लोग सारा पढ़ने लगे तो फिर तो आपका कल्याण हो चुका, क्योंकि आप सारा पढ़ तो भले ही लेंगे लेकिन उसको माइंड में रिटेन भी तो करना है, माइंड में उसको बनाए भी तो रखना है, उसको बार बार रिवाइज भी तो करना है,
तो इसलिए हम लोग वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये हेल्प करते हैं, हम हो या कोई और भी टीचर हो, तो आपको थोड़ा सा ये हेल्प करता है कि आप ये समझ सकें कि क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आप खुद से भी कर सकते हैं, बल्कि आप अगर खुद से ये चीज़ें एनालाइज करेंगे तो आप हम लोग से भी बेहतर एनालाइज करेंगे, क्योंकि तब आप प्रश्नों को भी देख रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, तो वो और बेहतर होगी स्थिति। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी से बेहतर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आपका अपना अर्जित सत्य होता है। ठीक है, तो जैसे अज्ञेय ने कहा भी है कि जो हमारा सत्य है वो, मतलब सत्य जो हमने अर्जित किया है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही आप समझ लीजिए। इकोनॉमी का पोर्शन अगर बात करें तो इकोनॉमी की आर ओ आर ओ में कम इम्पोर्टेंस है, और जो पूछा भी जाता है वो बेसिकली आपका करंट में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, कुछ एक बेसिक से पूछा, मतलब आपके जो थ्योरी वाला पोर्शन है उससे काफ़ी कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु उसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, जैसा कि मैंने अपने बुक लिस्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इसमें नहीं देनी है। तो ये देखिए, इकोनॉमी में 8 प्रश्न के करीब वो जो है ऐसा पूछे जाने की संभावना है, जिसमें 2-3 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से ही मिल जाएंगे, बाकी 3-4 प्रश्नों 5 प्रश्नों में आपको कोई एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं जो मैंने अपने बुक लिस्ट में बताया है उनमें से। इसके बाद देखिए संविधान या पॉलिटी, तो पॉलिटी पे अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो 8-9 प्रश्नों की संभावना बनती है, 8-9 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉलिटी में क्या है कि वैसे आप UPSC की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें पॉलिटी ज़्यादा पूछी जाती है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 8-9 प्रश्न हालांकि ज़्यादा ही हैं, पर इसमें भी अगर आप देखेंगे जब हम अपना अगला जो स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इनमें किन किन चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और किन चैप्टर से बहुत कम आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मेहनत कर, आप ये समझ सकते हैं कि हमें किन पर ज़्यादा जो है रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या नगरीकरण का मैंने बता ही दिया था, ये करीब जो है 6 प्रश्न आप मान लीजिए कि यहाँ से रहेंगे, और उसके बाद एक जो है टॉपिक बचता है कि अन्य यानी मिसलेनियस, मिसलेनियस में आप जो है करीब 5 प्रश्न रख लीजिए कि ये मिसलेनियस से पूछे जाएंगे, मतलब जो कि कहीं पे भी इनमें नहीं शामिल होते हैं, विविध उसको कह लीजिए या अन्य कह लीजिए, जिसमें कि आपका जो इस मतलब कुछ जैसे GK का पोर्शन पूछ लिया, कौन प्रथम या कौन द्वितीय या फिर कुछ भी ऐसा, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती है। तो ये आपका रहा जो UPSC का जो GS का पेपर है, GS में उसमें कितने मार्क्स जो है वो उसमें कितना लगभग जो है कि ये किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं। और चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा। जल्द ही हम लोग आर ओ आर ओ की स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो पर बात कर रहे होंगे, टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।